हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिन्स क्रिएटिवनेस। मेरे घर में काफ़ी टाइम से ये पुरानी वॉल क्लॉक लगी हुई थी। आई एम श्योर हम सबके घर में ऐसा कुछ ना कुछ रहता ही है, तो क्यों ना इसे कन्वर्ट करें एक नई एंटीक वॉल क्लॉक में। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक इट, और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ओल्ड वॉल क्लॉक ले ली है। अब इसके लिए मैंने एक पुरानी सीडी ली है जिसे मैं ग्लूगन की हेल्प से इसके पीछे लगा रही हूँ। गाइस, ग्लूगन से निकलने के भी चांसेस हैं, इसलिए मैंने इसे एमसील से अच्छी तरह फिक्स कर दिया। देखिए अब ये अच्छे से फिक्स हो गई है। अब मैं इस पे रफली डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैं इस पर गणेश जी बना रही हूँ, तो मैंने उसका पैटर्न रफली ड्रॉ कर लिया है। मैंने रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें सबसे पहले इस पर फेविकॉल अप्लाई करना है, उसके बाद हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एमसील लगाएंगे। एमसील वर्क करने से पहले हम अपने हाथों में थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लगा लेते हैं, और स्मूथिंग इफेक्ट देने के लिए भी हमें यही यूज़ करनी है। डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पर नाइफ़ यूज़ किया है, और मैंने वॉल क्लॉक बनाने में कोई भी मॉडलिंग क्ले टूल यूज़ नहीं किया है। जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से ये बना सकते हैं। क्राउन की डिटेलिंग के लिए मैंने बिना रिफिल का बॉल पेन यूज़ किया है। इस तरह से हम सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं, और जहाँ पर भी फिनिशिंग के लिए ज़रूरत है हम नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं। अब गणेश जी का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब मैं वॉल पेन से डिज़ाइन करके हाफ सर्कल्स में फेविकॉल अप्लाई कर रही हूँ। हाफ़ सर्कल्स में हमने एमसील से फ्लावर्स बना लिए हैं। अब छोटी छोटी एमसील की बॉल्स बनाकर बॉर्डर पर लगाकर वॉल पेन से डिज़ाइन कर लिया है। पूरी वॉल क्लॉक के सर्किल पर हमें सेम डिज़ाइन रिपीट करना है। अब हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे अच्छी तरह सूखने देना है। जब ये सूख जाए तब हमें इसे ब्लैक कलर से अच्छे से कवर करना है। मैंने यहाँ पर एक्रीलिक पेंट यूज़ किया है। अब ब्लैक पेंट भी सूख गया है। मैंने यहाँ पर मेटलिक कॉपर कलर यूज़ किया है जिसे मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। इसके हमें ऊपर से कम 2-3 कोट लगाने हैं।
अब इसी तरह से हम नीचे वाले डिज़ाइन पे भी कॉपर कलर अप्लाई करेंगे। क्राउन के लिए मैंने मैटलिक गोल्ड यूज़ किया है और चारों तरफ के सर्किल के लिए मैटलिक ग्रीन कलर यूज़ किया है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कवर द एजेस विद कॉपर कलर। अब मेरे पास यहाँ पर ये स्टोन्स हैं जो मैंने रेड कलर के और सिल्वर कलर के लिए हैं। सबसे पहले मैं क्राउन में रेड कलर के स्टोन्स लगा रही हूँ जो मैं टूथपिक की हेल्प से लगाऊंगी, और उससे पहले मैंने फेविकॉल भी लगा दिया है। सो नाउ अवर वॉल क्लॉक इज़ रेडी। ये आपको कैसी लगी ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच ईजी एंड अमेजिंग DIYs। थैंक यू।